केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए कोविन 20 नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। इस साल की शुरुआत में ही कोविड 19 महामारी भारत के लिए चुनौती बन गई थी। उस वक्त केंद्र सरकार संक्रमण पर नजर रखने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लेकर आई थी। आरोग्य सेतु ऐप को अप्रैल में लॉन्च किया गया था, लेकिन मार्च में ही सरकार ने स्मार्टफोन एप्लीकेशन कोविन 20 पर काम शुरू कर दिया था। इस परियोजना ने आरोग्य सेतु ऐप की जगह आकर ले लिया है। अब जब सरकार कोविन 19 की वैक्सीन कार्यक्रम की ओर बढ़ रही है, वक्त कोविन 20 का है। आइए जानते हैं कि क्या है कोविन 20 ऐप और ये कैसे काम करेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविन 20 ऐप वैक्सीन कार्यक्रम पर नजर रखेगा और भारतीय नागरिकों को वैक्सीन की खुराक के लिए आवेदन की अनुमति देनी होगी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली, कोविड 19 वैक्सीन वितरण कार्यक्रम के लिए कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये मोबाइल ऐप वैक्सीन डेटा को रिकॉर्ड करेगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक उन्नत चरण में है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हर भारतीय जिसे वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है, उसे वैक्सीन लगाया जाएगा। कोविड 19 वैक्सीन के लिए प्राथमिकता वाले समूह की सूची तैयार की जा रही है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।